जेड नो टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब नमस्ते, मैं जफर खान जेड नो में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह से जेड नो टीवी पर यह इत्तला दी गई थी कि न्यू शिफा हॉस्पिटल में आप सभी के लिए एक फ्री मेडिकल कैब ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको स्पॉन्सर थे RPG फाउंडेशन संसार, और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था समधानी एजुकेशनल सोसाइटी के जानिब से। इस प्रोग्राम में कई लोगों ने पहुंचकर इसे भरपूर कामयाब बनाया। इस फ्री मेडिकल कैंप में आए हुए तमाम पेशेंट्स को डॉक्टर लहिक और डॉक्टर मतीन की जानिब से अच्छी तरह से सपोर्ट किया गया, और यहाँ पर आए हुए तमाम पेशेंट्स ने भी इस मेडिकल कैंप का भरपूर फायदा उठाया और जमकर तारीफ भी की। इस फ्री मेडिकल कैंप में सभी के लिए ECG, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट और इसी तरह के दीगर बड़े बड़े टेस्ट भी बिल्कुल फ्री किए गए। आइए इस कैंप के तमाम डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। आज का ये न्यू शिफा हॉस्पिटल याकूतपुरा रेती की मस्जिद पे मेडिकल कैंप हुआ आज, जिसमें मैं समझता हूँ 200 आदमी आए हैं, जिसमें डायबिटिक के थे और ऑर्थोपेडिक्स के भी सारे लोग थे। और ये कैंप एक सक्सेसफुल कैंप रहा है, जिसमें एक्सरेस है और आपके ECG था और ब्लड टेस्ट था और आपके गैसों के डॉक्टर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी अच्छा चला है और काफ़ी लोग इसे फैज़याब हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। जी 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 जी, नहीं, ये मैं समझता हूँ हम हॉस्पिटल डाले जब से, एक समझता हूँ कि 8वां या 10वां कैंप कुछ है, 10 times कर दिए हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। अब इसमें क्या है, एक 10% तो भी जो जेन्युइन केसेस है वो लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर एक थोड़े पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जहाँ कैंप पे आके ठहर जाते हैं वो एक अलग है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा भी ज़रूर होता है। रिस्पॉन्स अच्छा रहा माशाल्लाह, दे आर वेरी हैप्पी एंड ऑल। ज़्यादा देखिए आप, हमारे पास छोटे बच्चे आए जिसके पैर टेढ़े हो गए, वो रिकेट्स कहते हैं उसको, और थोड़े लोग आए ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में दर्द और कमर में दर्द, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। तो बच्चों के अंदर जो रिकेट्स है वो बहुत अच्छा रहा केस वो, और उसको उनको फायदा भी हुआ। टेस्ट ठीक किया गया, फिर कुछ ट्रीटमेंट से या फिर कुछ दवा वगैरह आपको जो जी, हमारे पास टेस्ट भी हुआ है, ब्लड टेस्ट भी हुआ है, एक्सरेस भी हुए हैं और मेडिकेशंस भी दिए हैं, जो रिक्वायर मेडिकेशंस है वो दवाई भी दी गई है जी। हमारे पास डॉक्टर अब्दुल, डॉक्टर लहिक सर है, इंशाल्लाह लहिक सर से मशवरा करके साहब का, हमारे साथ एक हमारे अजीज दोस्त है डॉक्टर अब्दुल वासे सर बोल के, हमारी नीयत ये थी कि उनके उसमें ये कैंप मुनक़िद करेंगे बोल के, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, और अल्लाह डॉक्टर वाजे सर की खबर को नूर से मुनवर फरमाए, और ये जो कैंप हम कह रहे हैं इसका सवाब जो सो अल्लाह ताला उनकी खबर तक पहुंचाए। और हमेशा उम्मत के लिए डॉक्टर वाजे सर हमेशा सोचते थे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, रियली ग्रेट पर्सनैलिटी थी, लेकिन जो उनको, उनसे हम जो फ़ायदा उठाना चाहिए था उतना नहीं उठाए। उनका जो दर्द था, उनके अंदर जो वो कौम के लिए तड़प थी, जो होना था वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने जब तक थे माशाल्लाह अच्छे से अच्छे काम करके गए, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए, नर्सिंग ट्रेनिंग दिए, ये सब अच्छे अच्छे काम करे हैं। एहतियाती तदाबीर में ये है कि बाहर का खाना ना खाएं, अपना वज़न बढ़ने नहीं देना है, जो अपना वज़न है ख़ास तौर पे दावतों वगैरह ये सब कम करना चाहिए, घर का अपना खाना जो रेगुलर खाना है वो खा सकते हैं, वज़न बढ़ने मत दीजिए, ख़ास तौर पे नी पेन है, बैक पेन है और रातों में जगना, ये सब चीज़ें अगर दूर हो गए तो इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास रहेगा। वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सम्मन खान है, यहाँ आज अल-शिफा हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल रेती की मस्जिद छौनी या खुदपुरा के पास में एक कैंप हुआ था, जहाँ पर भी डेंटल का भी कैंप मुनक़िद किया था। यहाँ पर डेंटल के पेशेंट्स को भी चेक किया, जनरल पेशेंट्स के साथ साथ ब्लड ग्रुप चेक हुआ, ब्लड प्रेशर, शुगर एंड ऑल दैट के साथ साथ डेंटल चेकअप और आई चेकअप भी हुआ। यहाँ पर पेशेंट्स को देखे उन डेंटल के, जो बहुत सारे अमराज से मुब्तला है, इंशाल्लाह सबको मैं बताई हूँ। यहाँ पर डेंटल शिफा में भी डेंटल का क्लिनिक इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। मेरा क्लिनिक लबैक होटल के सामने
अपोलो फार्मेसी के बाजू में शाहीन डेंटल क्लिनिक है, जहाँ पर मैं भी पेशेंट्स अपने देख रही हूँ। आज कैंप के पेशेंट्स को वहाँ पर भी देखने के लिए बोली। यहाँ अनकरीब शिफा हॉस्पिटल में भी जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर भी पेशेंट्स को फ़ायदा। माशाल्लाह से डॉक्टर मदीन साहब जो दवाखाना चला रहे हैं 10 साल से, माशाल्लाह बहुत सक्सेस जा रहा है। और बहुत डॉक्टर मदीन जो है माशाल्लाह से बहुत सोशल सर्विस के आदमी हैं, बहुत काइंड आदमी हैं और लोगों को हमेशा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की फिक्र में रहते हैं उन्होंने, और गरीबों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। जो लोग इस्तेदाद जो नहीं है वैसे लोगों को भी रियायत में कम पैसों से बगैर पैसों में इलाज करते हैं। और आज का जो कैंप रहा माशाल्लाह से 11 बजे शुरू हुआ और ख़वातीन और बच्चों की बहुत तादाद थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हुए इसमें, सब अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, बड़े पेट के डॉक्टर थे, जनरल फिजिशियन थे, ईसीजी वगैरह, ब्लड टेस्ट, बीपी, शुगर, हर चीज़, फिजियोथेरापी, बहुत सारे प्रोग्राम थे माशाल्लाह से। अभी भी चल रहा, 4 बजे तक चलने वाला है इंशाल्लाह ताला, और बहुत सक्सेस प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मतीन साहब को अल्लाह में कामयाब करे उनको हमेशा उनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद खजर उद्दीन है। मैं यहाँ पे शिफा क्लिनिक पे रेतिक मस्जिद के आगे इधर आया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्री कैंप रहा, काफ़ी पेशेंट्स आए और डॉक्टर साहब के खलूस मोहब्बत अखलाक की वजह से बहुत काफ़ी लोग इस्तफादा करें। और जी मैं भी अपने इससे पहले 2 हफ्ते पहले आया था, तो फिर दोबारा कल डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर साहब बोले आज कैंप लगा रहा आप आइए, वो तो मैं भी इस टेस्ट के लिए हाजिर हुआ जी। और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, डॉक्टर साहब बोले फिलहाल सब सही है, फिर दोबारा शुगर टेस्ट करें, बीपी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बोले नॉर्मल है, कोई उसकी बात नहीं है बोल के बोले जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इस्पा डॉक्टर पर अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, शुक्रिया जजाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन ये थे समधानी एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से पेश किया जाने वाला ये फ्री मेडिकल कैंप, जिसको सपोर्ट कर रहे थे RPG फाउंडेशन संसार। और इस तरह के प्रोग्राम्स में आप भी ज़रूर हिस्सा लें ताकि आपको भी इन फ्री मेडिकल स्कैम का पूरा फ़ायदा हासिल हो। इसी तरह के न्यूज़ ऐड और तमाम डिटेल्स अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल ZNOW TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Insta पर फॉलो ज़रूर करें। याद रखिए ZNOW TV यही सच है।